तो यहाँ आते आते सूर्योदय भी हो गया है। जब हम घर से निकले थे तो धूप बिल्कुल नहीं निकली थी, और जब हम रोड में पहुंचे ना तो धूप निकल गई। तो हमारा पहले प्लान था हम स्कूटी से जाएंगे, पर हमारा प्लान है चेंज हो चुका है, हम अब शिव मंदिर तक पैदल जाएंगे, और हमारा शिव मंदिर है उधर। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग भी करते हैं फिर। तो हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। होप करती हूँ कि सबके सब सही होंगे और मैं भी ना एकदम बढ़िया हूँ। तो आप सभी को सबसे पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमने ले लिया है पूजा का सामान और जल ले लिया है और लोटा रखा हुआ है हमने, तो ये सारा पूजा का सामान है। तो मिलते हैं शिव मंदिर में, तो भगवान शिव आप सभी की मंगल कामनाओं को पूर्ण करे। तो चलते हैं फिर शिव मंदिर की तरफ और ले चलते हैं आपको भी। तो प्राची भी चल रही है मेरे साथ मंदिर, नहा धो के वो भी रेडी हो गई है, और मैं भी चल रही हूँ मंदिर के लिए। तो फिर आपको हम भगवान शिव के दर्शन भी कराएंगे, और धूप भी निकल चुकी है अच्छे से। सुबह सुबह मैंने नहा धो के ना हम बिल्कुल एकदम रेडी हो गए, तो सुबह सुबह ठंडा भी हो रहा है। तो अब चलते हैं शिव मंदिर की तरफ और आपको भी हम अपने भगवान शिव के दर्शन कराएंगे और जल अर्पित करेंगे सबसे पहले। तो चलिए फिर। जल्द ही पहुंचने वाले हैं हम अपने मंदिर, और यहाँ पर ना अच्छे से धूप आ गई और आज बिल्कुल एकदम धुंध-धुंध सी हो रही है पहाड़ों में, तो थोड़ा सा इंतजार और। पहुंच गए हम मंदिर परिसर में, तो ये रहा शिव मंदिर। तो कर लेते हैं पहले पूजा, फिर मिलते हैं आपको। तो हमसे पहले भी यहाँ भक्त पहुंच चुके हैं और जल अर्पित कर रहे हैं। तो ये है बाबा महादेव जी के दर्शन।
हमसे पहले ये भक्तजन यहाँ पे आए थे जिन्होंने पूजा पाठ कर ली, पर हमारी पूजा पाठ भी हो गई और थोड़ा सा हम आपको मंदिर का कैंपस भी दिखाएंगे। जय श्री राम, जय भोले।